कैसे हो दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे दोनों बच्चे ही बहुत अच्छे हैं। और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 3:30 बजे से। तो दोस्तों शाम के 3:30 बज गए हैं और हमारे काम होने लगे शाम के। तो दोस्तों आज तारीख है 23 जून, दिन रविवार है। तो दोस्तों आज संडे है तो हम बना रहे हैं घी। तो दोस्तों हमने आप लोगों को पहले ब्लॉग में बताया है कि हमारी ससुमा कहती हैं संडे को या बुधवार को घी तपाया जाता है। तो दोस्तों आज संडे है तो हमने घी बनने के लिए रख दिया है। और दोस्तों घी भी ख़त्म हो गया था, थोड़ा बचा था 1-2 दिन के लिए, फिर मतलब बुधवार को 2-3 दिन लग जाएंगे, तो इस वजह से आज ही घी बना लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने घी को मध्य आंच में रख दिया है बनने के लिए। तो दोस्तों हमने सिर्फ रखा है, हमारी सासू माँ घी बनाएंगी, क्योंकि हमने पहले बनाया था तो घी थोड़ा जल गया था, ढक गया था, ढकांद आ रही थी घी में। तो इस बार हमारी सासू माँ घी बनाएंगी, तो दोस्तों हमने घी रख दिया है गैस पर मीडियम आंच में बनने के लिए। और दोस्तों शाम हो गई है तो सासू माँ कर रही हैं चुटिया, बाल बांध रही हैं अपने, और हम कर लेते हैं काम शाम के। तो पहले जो कमरे में सामान फैला है उल्टा सीधा, देखिए दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा। और दोस्तों ये सामान हमारे बच्चों ने फैलाया है, दोनों बच्चे बहुत उदम कर रहे हैं सामान फैलाने में लगे हैं। और दोस्तों आज संडे था तो हमारे पतिदेव काम पर गए थे और दोपहर को आ गए थे काम कर। तो दोस्तों पतिदेव फ़ोन चला रहे हैं और उनके बगल में पिल्लू सो रहा है, मतलब जाग रहा है, मोबाइल देख रहा है। पतिदेव हमारे फ़ोन चला रहे हैं तो पिल्लू बगल में लेट के पापा के फ़ोन देख रहा है और आर भी उदम कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम सामान लगा देते हैं और फिर हम कमरे में झाड़ू लगा लेते हैं। तो पतिदेव को भूख लगाई थी तो हमने इनको खाना दे दिया है, ए और पिल्लू खाना खा रहे हैं और सासू माँ ने भी बाल बांध लिए हैं। और हमारी आर भी सोच रही है दादी जा रही हैं तो सासू माँ के ऊपर लटक गई है। तो देखिए दोस्तों दादी के बिना तो वो एक पल भी नहीं रहती है अकेली। तो दोस्तों इन्होंने खाना खा लिया है, हम कमरे में झाड़ू लगा लेते हैं। और दोस्तों हमारे पलंग का चदरा देखिए, बार बार हम एक सा लगा रहे हैं, बेड को बार बार बिथोल रहा है। तो बच्चे बिथोल रहे हैं कुछ, हमारे पतिदेव बार बार बिथोल देते हैं पलंग के चदरा को। तो दोस्तों हमारी सासू माँ ने फिर से संवार दिया है, फिर से बिथुल गया है। और दोस्तों यहाँ पर हमारी सासू माँ घी बना रही हैं और हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे कमरे की झाड़ू लग गई है। और दोस्तों कल शाम को रोटी कुछ ज़्यादा बन गई थी तो रोटियाँ खमी नहीं थी कल शाम को, थोड़ी ही रोटी खमी थी। तो दोस्तों बाहर रोटियाँ सूखने के लिए रखी हैं डलिया में। तो दोस्तों डलिया की रोटियाँ सूख गई तो हम अंदर उठा लाते हैं और रख देते हैं। और दोस्तों हमारे इधर मतलब फेंकते नहीं हैं, जो रोटियाँ बच जाती हैं बासी हो जाती तो उनको हम सुखा कर खा लेते हैं, गर्मियों में अच्छी लगती हैं दोस्तों। सुखा कर रोटियाँ खाओ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। जो ताती रोटियों में स्वाद नहीं रहता है वो सूखी रोटी खाने में अच्छा ही लगती है, स्वाद आता है। तो दोस्तों रोटियाँ सूखी हैं तो हमने ढक कर रख दिया है रोटियों को। और शाम को अब थोड़ी रोटी बनाएंगे पतिदेव के लिए सिर्फ, हम और सासू माँ तो वही खा लेंगे, सासू माँ को भी पसंद है। तो दोस्तों सासू माँ घी देख रही हैं, घी मीडियम आंच में पका रही हैं और हम यहाँ पर कपड़ों की घड़ी बना रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पतिदेव उस वाले बेड पर सो रहे थे लेकिन इनको इस वाले पलंग पर सोना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर बहुत भयंकर गर्मी लग रही है, कूलर की हवा नहीं जाती है, मतलब जाती है कम कम जाती है। तो इन्होंने कूलर के बिल्कुल सामने पलंग बिछा कर लेट गए हैं, यहाँ पर बढ़िया हवा आ रही है। और हम बना रहे हैं कपड़ों की घड़ी। तो दोस्तों कपड़ों की घड़ी हो गई है और ये कपड़े नए हैं। तो दोस्तों इन कपड़ों को हम गोदरेज में रख देते हैं, हमारी सासू माँ और पिल्लू रिश्तेदारी में गए थे तो वही कपड़े हैं नए, तो हमने इनको गोदरेज में रख दिया है। और अब हम फिर से पलंग को संवार देते हैं, पलंग के चदरा को एक सा बिछा देते हैं। और ये साड़ी हम उस दिन भंडारा खाने गए थे पहन गए थे काली वाली, तो इस साड़ी की पूरी लेस उपट गई है, तो हम इसको सासू माँ को दे देंगे। तो मामी की तरह मशीन रखी है तो सासू माँ मशीन फेर लाएंगी साड़ी की लेस पर। तो दोस्तों इसको हम एक झोला में रख देते हैं साड़ी को,
तो हमारी सासू माँ दोस्तों ब्लाउज वगैरह सिल लेती हैं। तो दोस्तों हमारे भी काम हो गए हैं और यहाँ पर हमारी सासू माँ ने घी भी बना लिया है। तो दोस्तों सासू माँ घी को ठंडा कर रही हैं, हवा में रख दिया है घी को ठंडा होने के लिए। तो घी ठंडा हो गया है, अब सासू माँ डब्बे में भर कर रख रही हैं। तो दोस्तों आज का घी एकदम अच्छा बना है, पीला बना है, मतलब जला नहीं है तो पीला है घी। उस बार हमने बनाया था तो लाल पड़ गया था घी, देखने में बहुत बेकार लग रहा था और खाने में भी डकान आ रही थी दोस्तों। लेकिन इस बार हमारी सासू माँ ने घी अच्छा बनाया है। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल पीला घी बना है इस बार। तो दोस्तों इस बार अच्छा घी निकल आया है, तो हमारी सासू माँ ने डिब्बे में भर कर रख दिया है। और दोस्तों अब हम बना रहे हैं नींबू की शिकंजी। तो दोस्तों हमारे पतिदेव बोल रहे हैं नींबू की शिकंजी बना लो, तो दोस्तों हम नींबू की शिकंजी बना रहे हैं। और दोस्तों आज इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, क्या बताएं दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो दोस्तों हम नींबू पानी बना रहे हैं, मतलब मीठा नींबू और शक्कर का पानी बना रहे हैं, मतलब पानी में मिलाएंगे। और दोस्तों बहुत से लोग शिकंजी बोलते हैं, शरबत बोलते हैं, मतलब अलग अलग नामों से बोलते हैं सभी लोग। तो दोस्तों हमारे इधर मतलब मायके में शरबत बोला जाता है और ये लोग मतलब नींबू की शिकंजी बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या बोलते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों शरबत बन गया है और सभी लोगों ने पी लिया है और हमारे पतिदेव पी कर फिर लेट गए हैं, क्योंकि ये रात को बहुत जल्दी जाग गए थे, मतलब आज ये 3:30 बजे के जगे हैं, इनको नींद नहीं आ रही थी। तो दोस्तों काम पे से आ गए हैं तो अब ये आराम करेंगे, थोड़ा सोएंगे। और दोस्तों हमारी सासू माँ शरबत पी कर चली गई हैं मामी के घर, वो आराम से गई थी छुप छुप कर, लेकिन उनके पीछे दोनों हमारे बच्चे लग गए और चले गए हैं सासू माँ के साथ। तो दोस्तों ये है 6:00 बजे का टाइम। तो दोस्तों हम यहाँ पर काट रहे हैं टमाटर मिर्ची, क्योंकि आज बनाएंगे हम शाम को नमकीन चावल। तो दोस्तों नमकीन चावल खाने का मन कर रहा था सभी का, सासू माँ भी बोल गई थी कि नमकीन चावल बना लेना शाम को। तो दोस्तों हम नमकीन चावल बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने प्याज मिर्ची टमाटर काट लिया है, तो चावल को भी बीन लेते हैं, फटक लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों बहुत दिनों बाद चावल बनाओ तो अच्छे लगते हैं खाने में, अगर रोज़ रोज़ यही चावल खाओ तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद हम बना रहे हैं नमकीन चावल। तो दोस्तों हम आ गए हैं अंदर, तो हम चावल को छौंक देते हैं। तो हमने कुकर में सरसों का तेल डाला था, तेल गर्म हो गया है, इसमें हमने जीरा और कुछ खड़े गर्म मसाले डाल दिए हैं, वो भुन गए हैं। फिर हमने इसमें प्याज मिर्ची टमाटर को भून लिया है अच्छे से, और फिर इसमें हमने सौंफ लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और मसाले डाल दिए हैं, यही धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर। मसाले को हम हल्का अच्छे से भून लेंगे, फिर हम इसमें सोयाबीन डाल देते हैं। तो दोस्तों ये वही सोयाबीन है जो हमारी सासू माँ उस दिन बुधवार के दिन मार्केट से लाई थी, तो दोस्तों हमने चावलों के लिए ही मंगाई थी वो सोयाबीन। तो दोस्तों मसाले में हमने सोयाबीन को अच्छे से भून लिया है, फिर हम इसमें डाल देते हैं धोकर चावल। तो दोस्तों सोयाबीन डालकर चावल बनाओ तो चावल एकदम वेज बिरयानी कैसी लगती है, जो मार्केट में वेज बिरयानी मिलती है, तो घर पर ऐसे बनाओ तो बिल्कुल मार्केट जैसी वेज बिरयानी लगती है दोस्तों। तो दोस्तों हमने बनने के लिए रख दिए हैं चावल। तो दोस्तों जब तक चावल बनेंगे हम नहा लेते हैं, और ये बर्तन है, बर्तनों को मांज लेते हैं, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम नहा लेते हैं, नहाने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों हमने नहा लिया है, पूजा कर ली है और मंदिर पर दिया रखाए थे। और दोस्तों चावल तो बन गए हैं, बस थोड़ी सी रोटियां बना रहे हैं पतिदेव के लिए। तो दोस्तों जिस दिन चावल बनती है तो उस दिन हम और सासू माँ रोटियां खाते नहीं हैं, बाई चांस हमारी सासू माँ एक आध रोटियां खा लेती हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी रोटियां बनाकर रख देती हैं, जो कोई खाएगा तो खा लेगा। और चावल तो बन गए हैं दोस्तों हमारे, और वैसे भी दोस्तों गर्मियों में बहुत कम रोटियां खपती हैं, रोटी खाने की वैसे तो इच्छा ही नहीं होती है, लेकिन ज़बरदस्ती रोटी खानी पड़ती है दोस्तों, रोटी नहीं खाएंगे तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों हमारी रोटियां भी बन गई हैं और हम गैस को साफ कर रख देते हैं। गैस को साफ कर दिया हमने, और कपड़े मतलब जो पैरदान टाइप में है, जो चटाई नहीं आती है बाज़ार में,
बाजार में हरी घास वाली, तो वहीं से हम गैस टांग देते हैं, क्योंकि छिपकली लेनियाँ कर देती हैं तो सिर्फ उसी के ऊपर तो गिरती हैं, मतलब गैस पर तो नहीं गिरती हैं, गैस पर गिरती हैं तो बहुत घिनापन लगता है। तो दोस्तों इसके ऊपर गिरती हैं छिपकली की लेनी, तो हम इसको झरा देते हैं। और दोस्तों देखते हैं चावल कैसे बने हैं हमारे। तो दोस्तों देखिए चावल कितने अच्छे बने हैं, और हमने इसमें हल्दी नहीं डाली है। पहले हमने आप लोगों को हल्दी बता दी है, लेकिन हमने इसमें हल्दी नहीं डाली थी दोस्तों। तो दोस्तों मार्केट जैसी बिरयानी बनकर तैयार है। और दोस्तों ये है रात के 9 बजे का टाइम। तो दोस्तों आज आया है हमारे घर कोई ख़ास मेहमान। तो दोस्तों आप लोगों को हम बताते हैं कौन आया है। तो दोस्तों हमारे पतिदेव लेने गए थे स्टेशन पर हमारे मेहमान को। तो दोस्तों आ गए हैं हमारे मेहमान, बहुत देर से हम वेट कर रहे थे मेहमान का। तो दोस्तों अब हम बताते हैं कि कौन आया है। तो दोस्तों हमारा भाई आया है घूमने के लिए, मतलब 2-3 दिन के लिए आया है हमारे इधर। तो दोस्तों बहुत देर से हम इंतज़ार कर रहे थे लला का, मतलब लला बोलते हैं अपने भाई से, मतलब भाई का बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। ये घर से निकले हैं 3 बजे के। तो दोस्तों रात के 9 बज गए हैं, अभी आप आए हैं ये। तो दोस्तों हमारे पतिदेव लिवाने गए थे, मतलब स्टेशन पर आ गए थे हमारे भाई, तो पतिदेव लिवा लाए हैं इनको। तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारा भाई बहुत दिनों बाद हमारे इधर आया है। तो दोस्तों हमारे भाई ने हमारे पैर छू लिए हैं, हमने इनको आशीर्वाद दे दिया है, और हम इनके लिए पानी लाते हैं तो पानी दे देते हैं दोस्तों। और दोस्तों पिल्लू हमारे सासू माँ के साथ मम्मी किधर चला गया था, लेकिन सासू माँ आज आई नहीं, कुछ काम था उधर तो वो आई नहीं थी, तो पिल्लू वहीं पर सो गया था दोस्तों। तो हमारे पतिदेव दूध लेकर आए हैं और पिल्लू सो गया था, तो पिल्लू को ले आए हैं। तो दोस्तों पिल्लू तो हमारा सो गया है, वो अंदर सो रहा है, और आज दिन भर से वेट कर रहा था कि मामा आ रहा है, आज हमारे मामा आ रहा है, सबसे कैद फिर रहा था, लेकिन शाम मतलब ज़्यादा रात हो गई तो वो सो गया है, आज दिन में नहीं सोया था वो, तो सो गया है दोस्तों। अब वो सुबह देखेगा मामा को, तब बहुत खुश होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पतिदेव को और भाई को खाना दे देते हैं। और दोस्तों हम सासू माँ का बहुत देर से वेट कर रहे थे, हम सोच रहे थे अब आ रही सासू माँ, अब आ रही, लेकिन सासू माँ तो आई नहीं। बड़े बात से चावल बनवा गई थी नमकीन, लेकिन सासू माँ आई नहीं है दोस्तों, वहीं पर सो गई वो, वैसे भी वहीं पर सोती हैं, लेकिन पतिदेव जब हमारे काम पर जाते हैं तो लेट काम पर से आते हैं। तो दोस्तों हमारी सासू माँ जब तक शाम को आ जाती है वही 6-7 बजे, फिर रात के 8-9 बजे चली जाती है जब हमारे पतिदेव आ जाते हैं काम पैसे, लेकिन आज कुछ काम था मामी के घर, तो दोस्तों वो सासू माँ नहीं आई थी, तो वो वहीं पर सो गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों इनको हमने खाना दे दिया है, ये लोग खाना खा लेंगे, फिर हम भी खा लेंगे। तो दोस्तों सभी लोगों ने खाना खा लिया है। और दोस्तों जो हमारा रोज का काम है, मतलब जो बाहर सामान रखा रहता है, टब तसला बाल्टी खाली, तो वो सामान को अंदर रख लेते हैं। और दोस्तों पतिदेव के हमने शाम को कपड़े धोए थे, क्योंकि आज काम पैसे के मतलब दोपहर में आ गए थे, तो हमने शाम के टाइम इनके कपड़े धोकर डाल दिए थे, और हमने अपने भी कपड़े धोकर डाले थे जब हमने नहाया था शाम को। तो दोस्तों वो कपड़ों को हम अंदर उठा लाए हैं, तो अंदर सूखने के लिए डाल दिए हैं जो कपड़े नहीं सूखे हैं। और दोस्तों ये लोग भी अंदर आ गए हैं सोने के लिए, तो हम बिस्तर लगा लेते हैं। और दोस्तों मुझे भी नींद आ रही है, क्योंकि आज हम दोपहर में नहीं सोए, बच्चों ने बहुत हल्ला मचाया है दिन भर, तो नहीं सो पाए दोस्तों, तो हम भी सो जाते हैं दोस्तों आज जल्दी। और दोस्तों पहले हम अपने कान्हा जी को सुला देते हैं। तो दोस्तों हमने बिस्तर लगा दिए, ये लोग सो गए हैं, तो हमने कान्हा जी को भी सुला दिया है दोस्तों अपने। और दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं आप लोगों से विदाई। तो दोस्तों हमारा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।